मेरा टॉपिक बेसिकली अलाइनमेंट है करिकुलम का इंडस्ट्री के फीडबैक के साथ। मेरा नाम मोहम्मद मुराद खान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। मैं एक फैकल्टी पर्सन हूँ। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस से मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है उधर, तो मैं क्लास में क्या पढ़ाऊँगा आपको? मैं तो आपको आके एक थ्यूरी, यानी बेसिकली ना मुझे फुल प्रोग्रामिंग पसंद, न मेरा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक, तो मैंने तो नहीं आपको आपकी तकलीफ महसूस करनी कि आप इंडस्ट्री के पास जाएंगे आपके पास नॉलेज होगा नहीं होगा। तो फैकल्टी को एजुकेट करने के लिए कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड है और मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ इस टाइम ज़्यादा पेइंग, यानी आप कौन से स्किल सेट ज़्यादा पेइंग है, उसको अपडेट करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना पड़ेगा, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को फैकल्टी को भी उसको अवेयर करना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या जा रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, स्टूडेंट्स, आईटी एसोसिएशंस और इंडस्ट्रीज रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ, ये कहना चाहिए कि कोई एक ऑफिशियल लेटर एक दूसरे को दें ऐसा नहीं होगा, ये ताली दोनों आपसे बचेगी। कुछ कभी इंडस्ट्री वाले अप्रोच कर लेंगे यूनिवर्सिटी को कि हम यहाँ विजिट करें, कभी यूनिवर्सिटी वाले रिक्वेस्ट कर लेंगे इंडस्ट्री को कि हम आपके पास आना चाहते हैं। फैकल्टी ट्रेनिंग, फैकल्टी ट्रेनिंग के ऊपर ना यूनिवर्सिटी स्पेंड नहीं करती, क्योंकि जब उन्होंने एक दफ़ा किसी को जॉब ऑफर कर दी ना, वो ये समझते कि ये नॉलेज लेके आ गया मेरे पास और अब ये आगे बच्चों को पढ़ाएगा, तो उस पर उसकी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को कम से कम सिंपल कप ऑफ टी पे फैकल्टी मेंबर्स को अपने पास बुलाना चाहिए, उनके साथ एक बात शुरू करनी चाहिए कि हम आपके स्टूडेंट्स के अंदर ये नॉलेज देखना चाह रहे हैं, हम आपके शहर में इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं। अगर मैं मिसाल दूँ, क्योंकि आज का टॉपिक वर्ल्ड प्रेस है और वर्ल्ड प्रेस क्यों, उसके पीछे से मैं एक वजह बताना चाहूँगा कि 43% ऑफ द होल इंडस्ट्री, यानी तमाम दुनिया की वेबसाइट्स का 43% वर्ल्ड प्रेस की, कोई छोटा शेयर नहीं है। इतना बड़ा शेयर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर शहर में लोग पैसे कमा रहे हैं। इवन मेरे कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस पर फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्री पैसा कमा रही है, तो अगर वो फैकल्टी को एक सिंगल कप ऑफ टी पे बुला लीजिए और उसको इसकी अवेयरनेस दे लीजिए कि आपको ये टॉपिक अपने वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में एक लैब में डिस्कस कर लेना चाहिए, तो एक अच्छी बात होगी। लैक ऑफ इनपुट, लैक ऑफ इनपुट में अगेन इंडस्ट्री करिकुलम के लिए अप्रोच करे, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, उस कप ऑफ टी पे उसको टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर दे कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने चाहिए, तो इंडस्ट्री का इनपुट होना ज़रूरी है। अच्छा, लैक ऑफ फंडिंग में मैं वर्डप्रेस के सिनेरियो में समझता हूँ कि हमारे पास लैक ऑफ फंडिंग नहीं है। क्यों? अच्छा, लैक ऑफ फंडिंग को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फंडिंग रिक्वायर्ड कहाँ है। माशाल्लाह ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो लैब्स होंगी वो बहुत अच्छी बनी होंगी, लेकिन पिछले एक साल में ट्रेंड ये है कि जो ग्रेजुएशन के लिए किसी ने अगर बैचलर्स में अप्लाई करना है ना, तो बड़े शहरों की तरफ नहीं जा रहा, वो छोटे शहरों में अफिलिएटेड कॉलेज, यानी वो अपने शहर में ही पसंद कर रहे हैं कि मैं डिग्री करूँ। दूसरी बात, HEC ने जो लाइसेंसेज हैं वो इतने ज़्यादा दे दिए यूनिवर्सिटीज़ को कि पहले, यानी मेरे टाइम पे एक ट्रेंड था कि मैं फैसलाबाद से उठ के पिंडी गया डिग्री हासिल करने, लेकिन अब एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिकल भी होती जा रही है और अप्रोचेबल अपने घर के पास भी आती जा रही है। लेकिन अगर आप उनके शहरों में जाकर जो यूनिवर्सिटीज या कैंपस हैं उनकी लैब्स चेक करेंगे ना, तो ऐसी नहीं है जैसी यहाँ की लैब है। वर्ल्ड प्रेस को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनकी लैब बेशक आउटडेटेड हो, वहाँ फिर भी वर्ल्ड प्रेस चलेगा, इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा हैवी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लैब के अंदर इतना भी सिस्टम, यानी इतने रिक्वायरमेंट वाले सिस्टम भी नहीं है कि वहाँ वर्ल्ड प्रेस चले, तो उसको अगर कोई स्पॉन्सर कर देगा इंडस्ट्री से, तो वो कम्युनिटी में इम्पैक्ट डालेगा और इंडस्ट्री जो है जब कभी इन्वेस्ट करती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ करती है कि वो अपनी ब्रांडिंग वहाँ पे कर ले। अगर कोई इसी तरह यानी अपनी ब्रांडिंग के थ्रू भी ये इनिशिएटिव लेना चाह रहा है तो ये कर सकता है। तो लैक ऑफ फंडिंग एक रोल है जो छोटे शहरों में कैंपसेज हैं उनके लिए, ग्रेजुएट हो जाएंगे वो, उन्हें डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी शायद उन्होंने 4 साल कोई लैब ही ना देखी हो, उन्हें HEC जब डिग्री देगी तो HEC की स्टैंप उस पर लगी होगी। और तो अगर क्वालिटी हम देखें तो आने वाले वक्त में क्वालिटी कम होगी और मार्केट में जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे इश्यूज हैं। थ्योरेटिकल फोकस, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका फोकस थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो अगर उनको अप्रोच किया जाता है डायरेक्ट इंडस्ट्री टू फैकल्टी या थ्रू हायरार्की, आप डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या वाइस चांसलर को अप्रोच करके कहते हैं कि ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए,
वो फैकल्टी वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो फैकल्टी को बुला लेंगे, आपसे मीटिंग करवाएंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पीछे ये होना चाहिए कि फैकल्टी को उनका ये माइंड सेट चेंज करें कि ये थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। ये जैसा एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब अपनी डिग्री कंप्लीट करा होता है ना, तो उन्होंने हाउस जॉब करनी होती है, उन्होंने एक साल लगाना होता है लाइव पेशेंट के ऊपर, जिस मरीज बेशक उनको कभी ये भी मौका मिल जाएगा कि वो इंसीजन दे के वापस स्टिच भी लगाएंगे, तो प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल से वो सीखते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो कि टोटली प्रैक्टिकल है, उसमें ये थ्योरी वाला एलिमेंट मेरा बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। और आखिरी आउटडेटेड कॉन्टेंट है जिसमें हम HEC को कहेंगे कि हमारे करिकुलम को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट करें। अच्छा, ये तो मैंने 7 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एट द एंड आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। और आइडियली जो वर्डप्रेस से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये जो कंप्यूटर साइंस का करिकुलम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इवन IT डेटा साइंस का मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये आपको फ्री क्रेडिट आपका, हाँ फ्री क्रेडिट आपका कोर्स पढ़ाया जाता है जो 2-1 लैब, उसमें 1 कॉन्टैक्ट आवर की होगी और जो आपकी थ्यूरी है वो 2 कॉन्टैक्ट आवर की होगी। तो इस सारे के नतीजे में हम करिकुलम के अंदर एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं कि हम ओपन सोर्स कोई भी टूल प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ HTML CSS JavaScript पढ़ाई जाएगी, PHP पढ़ाई जाएगी, तो उसका एक कोई बना बनाया टूल भी एक उसके लैब पर दीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, जिस तरह सर ने बात की कि जो बिजनेस इंक्यूबेशन है ये एक ऐसा कल्चर है जो अगर कोई क्लिक कर गया ना तो वो नहीं जानता कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या आप यूनिवर्सिटी के दौरान नॉलेज हासिल करके अपनी कंपनी बना लो, और कंपनी बना के बजाय इसके लिए जाके किसी की जॉब ढूंढो, आप लोगों को जॉब ऑफर करो, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो नेशनल इंक्यूबेशन NIC फैसलाबाद के अंदर मुझे मौका मिला, मैंने मुख्तलिफ स्पीकर्स को सुना, तो वहाँ पे एक स्पीकर आए थे, मैं उनका नाम यहाँ कोट करना चाहूँगा, बाजवा थे, मिस्टर बाजवा जो कि डिजिटल डेरा के CEO हैं। उनसे बाद में डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम है, वो सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री ना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट है ना वो लोकल मार्केट में कंज्यूम नहीं हो पा रहा। यानी अगर मैं फैसलाबाद में अच्छा डेवलपर बना रहा हूँ तो फैसलाबाद में मार्केट इतनी बड़ी नहीं जितनी लाहौर इस्लामाबाद में है, तो डेफिनेटली बच्चा सोचता है कि मैंने लाहौर जाना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। तो करिकुलम के अंदर जो एक मेन जहाँ पे एकेडमिक ओवरसाइट HEC PHEC और NSEC नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे जो चेंज एक्सपेक्टेड है ना वो स्लो है। IT एसोसिएशन से जो चेंज एक्सपेक्टेड है वो स्लो है, लेकिन जो इंडस्ट्री लोकल है ना आपकी लाहौर की इंडस्ट्री, इस्लामाबाद की इंडस्ट्री, उससे जो चेंज एक्सपेक्टेड है वो फास्ट है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वो अपनी एक ग्रुप बनाएंगे, एक कंसोर्टियम बनाएंगे, और बनाने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन को या वाइस चांसलर को अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि हम आपके BUS का मेंबर बनना चाहते हैं। HEC ये अलाउ करता है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पास अथॉरिटी होती है कि वो करिकुलम को अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए HEC से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और HEC ने इसका एक पूरा लेटर ड्राफ्ट किया हुआ है जहाँ पे वो अलाउ करते हैं कि 2 मेंबर्स फ्रॉम दी इंडस्ट्री आप ले सकते हैं। आपकी लोकल इंडस्ट्री अगर आपके एकेडमिक BUS का मेंबर बन जाएगी तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके करिकुलम में वो टॉपिक ऐड करवा सकते हैं, जो कि सबसे फास्ट आपको फीडबैक देगा। तो वर्डप्रेस करिकुलम का हिस्सा कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको उनको ना अवेयरनेस देनी होगी। मैं अभी फैसलाबाद से आ रहा था तो मैंने उधर जाके उनको इंकरेज किया कि आप लोग यहाँ पे हैं, फॉर मैनी रीजंस मैं ज़्यादा लोग नहीं ला सका, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा एक इशू मिला है कि मुझे उनको ये बिलीव करवाने में मुश्किल हो रही थी कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी और आप अगर जल्दी स्कूल को सीख लोगे आपको कितना फाइनेंशियल बेनिफिट है। ट्रेनर आपको ट्रेनर को ट्रेन करना है, बिकम द मेंबर, आपको BUS का मेंबर बनना ज़रूरी है। फंड तो मिनिमम आपको अगर कहीं पे लैब मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली नहीं कर रही, आप उधर फंडिंग दो, उधर आपको पूरी लैब के अंदर आपके जिस तरह यहाँ पे ब्रांडिंग हुई आपको इजाज़त नहीं, आप ब्रांड बनाते हैं ब्रांडिंग करें, आपके लिए फीडबैक से आपके लैब मैनुअल अपग्रेड करा सकते हो, आप कॉन्टेंट अपग्रेड करवा सकते हो, जिसके रिजल्ट होकर करिकुलम अपडेट हो जाएगा लोकल इंडस्ट्री के मुकाबले। और ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि हमारी रिक्वायर्ड जो इंटेलेक्चुअल वर्क फोर्स है हमें हमारे शहर से ही मिले। तो सजेशन है कि BUS का मेंबर बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी शुड इंक्लूड एटलीस्ट 20% ऑफ कोर्स कंटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये मेरा अपना एक
मेरी अपनी ख्वाहिश है कि कम से कम 20% इंडस्ट्री का कोर्स कॉन्टेंट होना चाहिए। एक्रीडिटेशन बॉडीज जो बड़े जायंट्स हैं उनको जल्द से जल्द अपने करिकुलम को अपडेट करना चाहिए। HEC PHSC शुड सेट, हाँ ये एक इंटरनल एलिमेंट है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का कि जब कोई फैकल्टी मेंबर प्रमोट किया जाता है तो सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन ना देखा जाए कि उसकी पब्लिकेशंस इंटरनेशनल कितनी हुई, क्योंकि लेट्स सपोज मेरी 10 पब्लिकेशंस, मैं एसोसिएट के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी 10 पब्लिकेशंस इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, यानी जो W कैटेगरी जनरल है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक पब्लिकेशन भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही तो उससे मैंने अपना लोकल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो हमें नेशनली ये एक माइंडसेट भी चेंज करना है कि फैकल्टी मेंबर को रिवॉर्ड किया जाए हमारी लोकल प्रॉब्लम्स या लोकल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे इंपैक्ट हमारा लोकल इंडस्ट्री में ज़्यादा आएगा। एट द एंड, टू एंड ऑन लाइटर नोट, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने एक फ्रीडम दिया, मैंने बेसिकली AI, मैंने PhD AI में की थी, तो अभी रिसेंटली जनरेटिव मॉडल्स का दौर चल रहा है, मैंने जो टेक्स्ट जनरेटर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स उन पर भी काम किया, फिर स्टेबल डिफ्यूजन जो इमेज जनरेशन मॉडल है उस पर भी काम किया। तो इस तरह यहाँ पे NCA फैसलाबाद में हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस उसका नाम है फिटर, वहाँ मैं जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन कोर्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक इमेजिनेशन यानी एक आइडिया देना चाहूँ कि अगर स्टूडेंट को एम्पावर किया जाए वो क्या बना सकता है। तो मैं सामने क्लास पढ़ा रहा था, जो वीडियो का एक टूल है TVC, तो उससे पहले मैं उनको स्टेबल डिफ्यूजन के कंट्रोल एड्स करवा चुका था। कंट्रोल एड है कि आप इमेज जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी साइड पर ये क्लास चल रही थी जो बॉटल्स के ना स्केच बना रही थी पेंसिल से एक वाइट पेपर पर, उसमें बाद में शेडिंग करनी थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट को भेजा कि पिक्चर खींच के लाओ, तो वो पिक्चर खींच के लाया, बाद में मैंने उनको सिखाया कि इस पिक्चर से डेप्थ मैप कैसे बनाना है। ये हगिंग फेस का एक लिंक है जहाँ पे आप फ्री ओपन सोर्स कोड रन करेंगे तो किसी भी इमेज से आप डेप्थ मैप बना लेंगे, और डेप्थ मैप से आप कंट्रोल कर सकते हैं इमेज जनरेशन AI को। अब जो आगे तस्वीरें आएंगी सारी स्टूडेंट्स ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, उस उन टू बॉटल्स से ये सारी तस्वीरें स्टूडेंट्स ने बनाई हैं जिसमें वो कंट्रोल करते थे और साथ टेक्स्ट देते थे। तो ये स्टूडेंट का मैजिक है, मैंने सिर्फ उनको मार्केट का टूल सिखाया जिसमें जो मेरी फेवरेट है वो ब्लू वाली है जिसमें पीछे थंडर स्ट्रॉन्ग थंडर है। तो ये आप लोगों की तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिएट किया था, बस मैंने उनको वो टूल सिखाया था। हमें थैंक यू।